तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है, ये निरंकारी पंथ और एक यो ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक युराधा स्वामी और सच्चा सौदा सरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवानी वाले का पंथ, युराधा स्वामी एक कुएं का जल है सारा, ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अब पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गड़ा पढ़ाते ने, और बूंदा अच्छा कहें मुझे, मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें, और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे, और वहां देखो ये भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहां तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहां ले लो नाम, वहां सब ठीक है। अब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, अब सत्संग तो सुनते हमारा इस दास का, और सत्संग सुनने के बाद आत्मा बेचैन हो जाती है, तरफ उठती है भगवान के लिए, जब नाम की कहते कि दीक्षा ले लो, फिर क्या कहते ना, दीक्षा तो हम कहीं और से लेंगे, बड़े गुरुओं से। वो बड़े गुरु कौन, किराधा स्वामी वाले, वहां लाखों व्यक्ति जाते हैं, आपके पास तो 50 व्यक्ति सत्संग सुनने आ रहे हैं, शुरू शुरू की बातें। मैं कहा भाई बड़ा काल ने बड़ा काम कराए, तो अब सत्संग सुने हमारा, हर नाम ले वो सच्चा सौदाड़े का जाके सिरसा गया। और फिर दूसरा कारण क्या था कि हम सभी बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हुक्का सिगरेट और अन्य जो भक्ति बाधक हमारी रीतियां हैं वो भी नहीं हमने करनी। तो वो क्या कहते हैं, भाई बीड़ी तो नहीं छूटे, कोई कहता भी मैंने नाम लेना है किसी से, वो पता लगता है कि ये कोई दूसरे गुरु से उपदेशी है, उसके पास जाकर उसने कहा कि मैंने नाम लेना है लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ दूंगा, तो कहते दादा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले कहते बीड़ी की कोई बात नहीं, आ जा तेरा नाम दुआ के लाऊं। वो गिलगिल हो लिया, बस बीड़ी छोड़नी नहीं, नाम गुरु जी का ले लिया, मोक्ष हो जाएगा, अब खाक मोक्ष होगा उसका। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, उसने बताया कि ये मेरी बहन है, वो उसकी बहन पहले से दीक्षित थी दास से, उसने जो हमारे से दीक्षित थी भगवान कबीर साहब की शरण में थी, उसने बताया जी ये मेरी बहन है और 8-7 वर्ष से ये राधा स्वामी का नाम ले रही है, और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है, वे बुरा हाल हो गया इसके घर का, और मुश्किल से मना के लाई हूँ, न्यो कहे गुरु ना बदला करते। और जो उसके आसपास की जो औरतें थी वो न्यू कहती थी गुरु तो ईसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया, रब फूटे बाग थरे। गुरु का नाता अलग है, गुरु एज ए डॉक्टर, पति अपने स्थान पर है, जैसे एक डॉक्टर से रोग निनाश हो रहा तो 6 बदलने चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, ये कोई बात है। फिर दूसरा न्यू बोली मैंने पता था कि ये बीड़ी बैड़ी पिया करें, मैंने कहा बहन तू बीड़ी भी पीती होगी, अखा जी बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, कह लीजिए ठीक है छोड़ दूंगी, छूटेगी तो मैं ऐसा नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी अग जी छोड़ दूंगी। वो न कहने लगी, बोला जी पहले तो मैं नहीं पीती थी, नाम लेने के बाद पीण लग गई, अरे थोड़े फोटे बाग नाम ले पा छोड़ा करें शुरू कराया करें, तारी सारी उल्टी रीति। वो कहने लगे जी मैं पहले नहीं पीती थी, सत्संग करती थी गांव में औरतें, जैसे उनकी चर्चा होती है ज्ञान चर्चा, तो वहाँ बीड़ी का प्रसाद देते हैं, एक प्लेट में खोल के बीड़ी अलग अलग और माचिस बीच में एक रख देते हैं, और सब ने अनिवार्य होता है प्रसाद पी ले, क्यों शिवदयाल जी भी हुक्का पाड़ा करता, तो इनका हुक्के कोई आंट नहीं तम्बाकू की। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं, तो वहां से नाम ले आए क्यों, वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं, सारे संसारी कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भाव दास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं, जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा
तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी? कि मैं कलयुग में उस 5,000-5,500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा, अपना दास भेजूंगा और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे, विधिवत सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके, सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़कर और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि, और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस कराया था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे, भगवान आपका नाम जपें आपका, आपकी भक्ति करें आपके और मेरी करें वह मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदा ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, ये कोई मंत्र है? यदि एक महिमात्मक नाम है उस परमात्मा के, उपमात्मक नाम है उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को, अकाल मूर्त को। जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो, क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है। हैंडपम्प लगाओ, वो की मारो और फिर हैंडपम्प ऊपर लगेगा मशीन, और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का। ये पूजा ही नहीं है, पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं, तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही, वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है, अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण होया करे, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती, वो तो पतिव्रता लठम लठा रहे सारे दिन, ननंद के लिया कदे सास के साथ, कदे ससुर के ने गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो तो कली आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण होया करे, पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोले जो किसी दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है, लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उस समय देखो पूजा किसकी करती थी, उसके हिस्से में एक चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी, जो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखे उनकी तरफ जाकर भी। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है? ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश,
और साथ में ये ब्रह्म, तो हम इनके साथ रह रहे हैं। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान है, तो यहाँ के प्रधानों से हमें जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं इनसे प्राप्त होगी हमें। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बनाए, इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार अपना कंटेक्ट रखा जाता है, तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हमें प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी आओ जी, और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं इनका कर्जा हमने उतारना है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है। तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है। फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है। और उद्देश्य क्या है सब मजदूरी करने का, कि हमें जल मिले, तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी, तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है। लेकिन पाना क्या हमने, हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये पांच नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं, तो ये पहले केवल पांच नाम ही दिए जाते थे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबार ना चाहिए। अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना, इन पांच नामों के जाप से बहुत लाभ होता है, यहाँ का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन पांच नामों से, जो आपको सात दिए जाते हैं। अब प्रथम और लास्ट, इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी संसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के। जैसे कई लोग कहें कोई मंत्र दे दे गुरुजी, नहीं। अब जैसे खागड़ जोटे होते हैं, अपने भैंसे देखे हों, उन्हें भैंसा भैंसा करें जा, वो कति नहीं देखे, अरे एक बार नो कर दे हुर्र, वो नो देखेगा बाज गए, तो उसका अट्रैक्शन हो गया, उसमें उसका अपने आप ही प्रभावित होता है, दौड़ा आवेगा फिर। तो ऐसे ये मंत्र हैं जो इन भगवानों को विवश कर देते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होने के लिए और खींचने के लिए। इसलिए सतनाम कहलाता है, ये जो दो अक्षर का मंत्र है ये सच्चा नाम है, और इसी से प्रभावित होते हैं। तो अपने आत्मा ये जो पांच नाम है, पहले परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी को कहा था ये पांच नाम देना, लेकिन अब परमात्मा ने आदेश दिया है कि ये सात नाम देना, पांच तो है ही है। तो इन सात नामों में क्या विशेषता बन गई, कि मान लीजिए आपको सतनाम प्राप्ति हुआ नहीं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पहला और लास्ट वाले मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको तुरंत ये मानव शरीर प्रदान करवाएगा, तुरंत, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा दसवें महीने बाहर आ लेगा माँ के पेट से, गोदी में यहीं पर। और पहले ये मंत्र इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि ये नकली भी मंत्र इसी का शुरू कर देते हैं, और उस समय क्या था मालिक ये पांच नाम इसलिए देगी कि इनसे
इनको यहाँ संसारिक थोड़े बहुत सुख मिलते रहेंगे, ये घने दुखी ना होंगे, मोक्ष तो इनसे नहीं हो सकता इस तरह के जाप से। लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो, ये इससे ठीक चलते रहेंगे। तो इसलिए प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है, ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सारनाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सारनाम देने का, और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं, और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया उसी दौरान, तो आप पर अटैक हो जाएगा। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है, भक्ति चाहे कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे हैं, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब के मर जाओगे। तो उस समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कैसी, और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा, मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है, ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जाए, एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर तो भी बड़े नाप तोल के रखती है, कहीं झटका लग जाए, बच्चा खराब ना हो जाए, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर्म मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर फल पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन हो गए तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है, जैसे सीता जी थी श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बना कर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की, तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है यानी बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोंपड़ी के चारों तरफ और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था, कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे, एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से, पीछे से रावण लंका का राजा एक साधु भेष बना के वहाँ आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से।
और जो ही वो निकट गया उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था के फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूँ भिक्षा, अभी आ जाती हूँ वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी क्या फर्क पड़े, और के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख से तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं ऐसे ये मर्यादाएं हैं, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना। हमने पति भर्ता पद पर आना है, जैसे जो पति भर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। पति भर्ता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से वो किसी प्रकार का भी उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे, कैसे देंगे। एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिचे मूल को फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए।